सभी जानते हैं एलन अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखता है। फिलहाल हम एलन समय कैंपस में मौजूद हैं, जहां पर एलन PNCF कोटा की ओर से स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ चेकअप कैंप हील का आयोजन किया जा रहा है। When we talk about pre-nurture, so we ensure कि हम उनकी multi-dimensional growth को ensure करें, केवल academics ही नहीं all around development करें। और all around development के अंदर में एक सबसे essential component है health। तो हमें लगता है कि health को भी, health के संस्कारों का बीजारोपण ये जो 15 साल की आयु के आसपास के जो बच्चे हमारे पास में हैं इनमें किया जा सकता है, तो उसी की बहुत अच्छी शुरुआत है। हम यहाँ पर बेसिकली अगर आप पूरे ईयर लॉन्ग प्रोसेस में देखें तो हम यहाँ पे अपने काउंसलर्स रखते हैं, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स हैं। अगर बच्चों को कोई परेशानी है तो उनका टाइम स्लॉट डिवाइडेड रहता है, बच्चे के पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन रहती है। बच्चा अगर काउंटर पर हमारे पास में आता है, टीचर के पास आता है, तो हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए उनको काउंसलर्स की तरफ पहुँचाते हैं। इसके अलावा आप अगर पास में देखेंगे संज्ञान बिल्डिंग है, वहाँ पर आरोग्यम की फैसिलिटी है। बच्चे को किसी भी तरह का मेडिकल हेल्थ में कोई इशू है, मेडिकल उनको असेसमेंट चाहिए उनका, तो आरोग्य में उनको प्रॉपर डॉक्टर फैसिलिटीज़ मिलती है पूरी तरह से। तो इस तरह से हम उनके हेल्थ के चेकअप का पूरा ध्यान रखते हैं और उनको टाइम टाइम पे जो क्या खाना चाहिए, कैसे उनको सर्दी आ रही है तो पहनना है, गर्मी आ रही है तो उनको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए उनके अंदर। तो उनको प्रॉपर चैनल पर टाइम टाइम पर एक उनको सेमिनार या क्लासेस में जाके अनाउंसमेंट या पोस्टर्स के थ्रू उनको इन्फॉर्मेटिव चैनल से हम बताते रहते हैं। जो बच्चे अपने घर से दूर रह रहे हैं, जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को ये हमेशा टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा वहाँ पर पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हेल्थ वाइज कहीं उसका किसी तरह का लॉस नहीं हो जाए। तो आज पेरेंट्स के मन में भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई लेवल पर होगा कि हमारे बच्चों को केवल पढ़ाई पर नहीं, इनफैक्ट उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहाँ नो डाउट बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, उनका फिजिकल हेल्थ कैसा है, वो आज जो कैंप विजिट कर रहे हैं उसके बाद उनको मतलब बहुत अच्छे से पता चल रहा है। तो वो काफ़ी खुश है इससे और बहुत अच्छा फीडबैक देकर जा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि हमारे आई में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। वो मतलब अगर मान लो उनके डेंटल में अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है, फिर भी उनको जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो गाइड कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब उसको उससे कैसे बचा जाए। प्रोग्राम को करने का जो मुख्य मकसद हम लोगों के दिमाग में है वो ये है कि बचपन से ही, अभी ये बच्चे प्री नर्चर के हैं, इनमें हेल्थ के लिए कॉन्शियसनेस डाली जाए, इनके मन में इन्हें बताया जाए कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। अगर कोई हेल्दी है तो वो ही लाइफ को एंजॉय कर सकता है। हेल्दी पर्सन कैन लाफ वेल, कैन एंजॉय वेल, कैन ईट वेल। तो इस कंसेप्ट को लेके ये हील कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है, हेल्थ इवेल्यूएशन एंड लाइफ स्टाइल असेसमेंट। इस कैंप के माध्यम से हम बच्चों का एक प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर अप्रोच को उनके अंदर इनकलकेट करने के लिए हम उनका एक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। एक फिजिशियन बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें बच्चों का हेड टू टो एग्जामिनेशन हो रहा है। उनके हेयर, उनके स्किन, उनके टीथ, उनकी आइज और भी जो उनके कुछ फीचर्स, उनको अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन सब का समाधान किया जा रहा है। एक फिजिशियन टीम है जो बच्चों के साथ बात कर रही है और उनकी हेल्प कर रही है। उसके बाद एक डेंटल चेकअप टीम है, वो बच्चों की दांतों का पूरा चेकअप कर रहे हैं और उनके अगर बच्चों को प्राइमरी कैरीज है, प्राइमरी कोई प्रॉब्लम है तो उनको अर्ली स्टेज में ही बता रहे हैं ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करा सकें और उन सब चीज़ों को बाद में जाके उनको परेशानी ना हो।
आइज चेकअप के लिए बड़ा सरप्राइजिंगली हमें पता लग रहा है कि कुछ बच्चों की आइज वीक हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट टाइम पता लग रहा है कि उनको चश्मा भी लग रहा है। तो वो भी बच्चों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल इशू है कि बच्चों को आई कैम्प से भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे कैम्प बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। बच्चों को डाइटरी एडवाइस दी जा रही है, बच्चों को हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे हो, बच्चों को इस जो प्री नर्चर के स्टूडेंट्स हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ उनको क्या क्या अपने पूरे रूटीन में इनकलकेट करना चाहिए, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। आप मानते हैं कि बाकी पढ़ाई के साथ साथ जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहना बहुत जरूरी है? डेफिनेटली आई फील इट्स नॉट जस्ट ओरल हेल्थ, योर ओवरऑल हेल्थ। बोलते हैं ना हेल्थ इज अ विंडो फॉर एवरीथिंग, वंस यू आर योर बॉडी इज अ टेम्पल। सो आई फील कि आपका नॉट जस्ट ओरल हेल्थ, आपका ओरल फिजिकल मेंटल पूरा मेंटल हेल्थ तक इंक्लूड होता है, देन ओनली यू कैन परफॉर्म बेटर इन एवरी वे, नॉट इन जस्ट स्टडीज। आप एक अच्छी तरह से उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ एज वेल। एंड रेस्ट उनको हम ये भी बता रहे हैं कि ज़्यादा वी आर काउंसलिंग इन दैट वे ऑल्सो, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा स्ट्रेस अल्सर होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को तो वो अल्सर किसी को भी हो जाता है। सो वी आर काउंसलिंग इन दैट वे ऑल्सो कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का एंड ऑल, थोड़ा चिल करके रहो वैसे। तो हम इन दैट वे ऑल्सो बाकी हम उनको उनका ओरल हाइजीन के बारे में उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ब्रशिंग टेक्निक्स, हाउ टू क्लीन देयर टंग, ब्रश टाइज कितना बार करना है, कैसे करना है, क्या क्या खाना नहीं खाना है, क्या खाना है स्पेशली ऑन देयर डाइट। सो एवरीथिंग वी आर काउंसलिंग, वी आर डूइंग काउंसलिंग इन दैट। हम इमरजेंसी जिनको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उनके कलर लिस्ट बना रहे हैं सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट विद द मैनेजमेंट एलएन का। सो दैट इज़ हाउ वी आर प्रोसेसिंग। एंड बच्चों के बीच में आके तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज वी कैन कनेक्ट, अपना पुराना सब याद आ जाता है। सो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस मेरा और मेरी टीम का बहुत अच्छा है। ये सेकेंड कैंप है राजस्थान आई हॉस्पिटल का एलिन के साथ, तो और मैं एक स्टूडेंट हूँ एलिन का ही, 2006 में मैं एलिन में था, तो अच्छा लग रहा है वापस आके दोबारा उसी माहौल में। अभी तो बहुत बड़ा हो गया एलिन, सो उसी माहौल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और एलिन को सर्व करना, बच्चों को देखना यहाँ, क्योंकि यही स्टेज है अभी कि अभी कोई अर्ली स्टेज में कोई भी डिजीज़ अगर डायग्नोज हो जाती है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो अच्छा है। कि मेरी आई साइट बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चश्मे की, बट अब पता चला कि नहीं, मेरे आँखों में पावर है और मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पता चली और भी बहुत चीज़ें उन्होंने सामने से हमें बताई कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमें कैसी चीज़ें अपने आप को हेल्दी कैसे रखना चाहिए। जब हम कोटा आए थे तो हमें बस इतना था कि हमें पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड मुझे कभी सोचा नहीं इसके बारे में, बट यहाँ पे आके पता चला कि इस कैंप में आके पता चला कि नहीं, हम लोग बहुत कमज़ोर हैं मेडिकल्स के फील्ड में। लाइक हमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं, बहुत चीज़ें हैं जो हमें नहीं है, जो हमें मेनटेन करनी है। लाइक BMI में मुझे पता चला कि मैं अंडर वेट हूँ 15 kg, सो मुझे उसका मतलब उसे मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर फिजिशियंस के पास गए तो उन्होंने बोला कि लाइक आपको जैसे आप जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हो प्लेइंग वगैरह, तो उसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा ताकि आप अपना ये अंडरवेट कम कर सको। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत नई नई चीज़ें जानने की मिली, और थैंक्स टू एलन कि हमें इतना चीज़ पता चला, थैंक यू। जब मैंने ये हेल्थ कैंप में ज्वाइन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी थी। मुझे यहाँ से यही मोरल मिला कि एजुकेशन तो अच्छी है ही पर हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, तो सारी चीज़ यहाँ सिस्टमेटिक हुई है और मैंने बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के हेल्थ कैंप। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे हेल्थ चेकअप हुआ हमारा बहुत कंट्रोल्ड वे और सिस्टमेटिक मैनर में हुआ, बहुत हमारा हर चीज़ का ध्यान रखा गया, हमारा आई चेकअप हुआ, डेंटल चेकअप हुआ, हमारा फिजिशियन से ओरिएंटेशन हुआ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये हेल्थ चेकअप जो कंडक्ट कराया गया एलन के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा लगा हाइट और BMI चेकअप, जिससे पता चला कि ओवरवेट नॉर्मल क्या है। और उसमें फिर आई साइट में मुझे पता चला कि मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, और यहाँ का सारी चीज़ अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए, पानी की कमी है मैम, डैंड्रफ वगैरह सब के मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लगा मैम हमें कि ये आइलैंड में कंडक्ट करवाया है।
हम लोग कोटा में करीब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चों को ट्रेन करते हैं प्री नर्चर यानी कि ग्रेड 6 to 10 में, विच इज़ इनटू डिफरेंट कैंपसेस। हम कोटा में 8 लोकेशंस पे ये प्रोग्राम रन करते हैं। तो अभी हमने एक लास्ट मंथ प्रोग्राम किया था जो कि हमारा सुपत कैंपस है, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 600-700 स्टूडेंट्स का पूरा हील चेकअप वहाँ हुआ। आज अप्रॉक्सीमेटली शायद 2,200-2,500 स्टूडेंट्स के आसपास बच्चों का ये होने जा रहा है। और इससे नेक्स्ट अब हम इस सीक्वेंस में नेक्स्ट हम सत्यार्थ कैंपस में करेंगे, जहाँ पे जवाहर नगर तलवंडी इस एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं प्री नर्चर के उनके लिए, और नॉट ओनली चेकअप बट उनको जो यहाँ पे आई केयर की टीम, डेंटल केयर की टीम, फिजिशियंस की टीम, एक जनरल अपीयरेंस, आपकी जो BMI से रिलेटेड गाइडेंस है, तो फूड हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, तो हमें बहुत उम्मीद है और पेरेंट्स के बहुत अच्छे मैसेजेस और रिस्पांस आते हैं कि सर ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने टीचर्स की गाइडेंस में जो बच्चे सीखते हैं वो पेरेंट्स की भी इच्छा होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें इंस्टीट्यूट में सिखा दी जाए। सो एक और दो और कैंप हम करने वाले हैं सीक्वेंस में आगे।